भाई साहब मैं जा रही हूं, आपने मुझे सहारा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मी, मेरा यह मतलब नहीं था कि तुम घर छोड़कर चली जाओ, लेकिन अगर तुम जाना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। कुमार साहब, रेखा को मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है, उसे सुखी रखना। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ अंकल? माधो कह रहा है लक्ष्मी अपने साथ कुछ जेवर चुरा कर ले गई है। जी हाँ मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज के जमाने में किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता अंकल, और फिर माधो तो आपका पुराना नौकर है, आपसे झूठ थोड़ी बोलेगा। और देख लेने में क्या हर्ज है। ठीक कहते हो। लक्ष्मी ठहरो, माधो कह रहा है कि तुम इस घर से कुछ चुरा कर ले जा रही हो। चुरा कर? ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? माधो ने कहा और आपने सच माना? देखिए मेरा सामान देख लीजिए। ये क्या है, है? जिस घर का तुमने नमक खाया उस घर में चोरी करते तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं, मैंने चोरी नहीं की। भगवान की सौगंध, ये सब कैसे मेरे सामान आया? मैं नहीं जानती। अरे ये तो हर चोर पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। वाह वाह वाह। लक्ष्मी, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मैं पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन तुम्हें पुलिस में देने से तुम्हारी नहीं हमारी बेइज्जती होगी। भाई साहब। अरे ये तो अच्छा हुआ कि रेखा यहाँ नहीं है, वरना ये सब देखकर उस बेचारे का दिल टूट जाता। अच्छा अंकल, कल आऊंगा मैं। बेटी से भी ज्यादा माना है। तुम रेखा कैसे जानते हो? रेखा को आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूं लक्ष्मण, रामपुर का लक्ष्मण। आइए मेरे साथ, आइए ना। माँ जी एक बात बताइए, आप अपनी जान देने क्यों जा रही थी? चौधरी साहब ने कुछ कहा क्या? नहीं बेटे, जिन्होंने इतने बरसों तक मुझे सहारा दिया है उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बस ये समझ लो इस दुनिया को मेरी जरूरत नहीं, इसलिए भगवान के घर जा रही थी। पर बेटे तुमने ये होलिया क्या बना रखा है? अब की ये होलिया मैंने कोई पिक्चर देखकर नहीं बनाया माँ जी, बल्कि अपने दोस्त की जान बचाने के लिए लक्ष्मण से लुईस बन गया। आप आराम से बैठिए, मैं आपके कुछ जलपान लाता हूँ।
लक्ष्मण, ये फोटो किसका है? ये, अरे ये तो मेरे बापू हैं, और ये हैं प्रकाश भैया के पिताजी। तुम्हारे बापू कहाँ रहते हैं? गांव में। और तुम्हारी माँ? माँ? माँ नहीं है माँ जी, बापू बताते हैं। आज से 20 साल पहले मेरे बड़े भैया राम और मेरी माँ दोनों हमसे बिछड़ गए। राम भी बिछड़ गया? हाँ माँ जी। लक्ष्मण, मेरे बेटे, मैं ही तेरी माँ हूँ। क्या? हाँ, मेरे राम। हाँ, आज से 20 साल पहले तू मुझसे बिछड़ गया था। मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि इस जीवन में मैं तुम लोगों से मिल सकूं। भगवान कितना दयालु है बेटा। ये भी तो हो सकता है कि मेरा राम भी मुझे मिल जाएगा। क्यों नहीं माँ, राम भैया भी जरूर मिल जाएंगे। यह कीर्ति, ये कपूर, वो भूषण, हेलो, और इसको तो तुम जानते हैं। हाय हाय। ना सुनो, फ्लाइट नंबर 303 से 1 करोड़ रुपए का माल हांगकांग जा रहा है, लेकिन हम उस प्लेन को हाईजैक करेगा। प्लान के मुताबिक लुईस और हम कॉकपिट में जाके पायलट को ओवरपावर करेगा। कीर्ति, यू विल टेक ओवर द फ्लाइट। जूली और भूषण एयर होस्टेस और फ्लाइट पर से बनेगा। एंड कपूर साहब, यू विल हैंडल द पैसेंजर्स। और प्लेन हांगकांग नहीं, एक ऐसे जगह जाके पहुंचेगा जहां चीफ अपना इंतजार कर रहा होगा। काम खत्म होने के बाद चीफ तुम सबको 1-1 लाख रुपया देगा। मगर वो 15 लाख का काम कभी आएगा। Have patience, Louis. इसका बाद में। Right. Gentlemen, your tickets. और याद रखना, हाईजैक के बाद हम सब लोग इधर ही आके मिलेंगे। That is important. Excuse me, I feel thirsty. Give me some cold water, please. Sure. Thank you.
Flight 303, you are heading in the wrong direction. I repeat, flight 303. You are heading in the wrong direction. Flight 303, I repeat. Beautifully done. Very good. Well done, boys. And you too.